नमस्कार दोस्तों, दिस इज़ आशीष देशमुख। आपका वापस एक बार स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी कर लीजिए। अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो यूट्यूब चैनल पे मेरे नोटिफिकेशन बटन को टर्न ऑन कर लीजिए, तो उसके वजह से आपको जो वीडियोज़ जो है जब भी मैं अपलोड करूँ आपको एक नोटिफिकेशन आएगा, जैसे व्हाट्सअप का आता है। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारे वीडियोज़ मैं अपलोड करते रहता हूँ रिव्यूज़ के बारे में, एग्जॉस्ट के बारे में, या फिर उसके डिसलाइक्स लाइक्स के बारे में, चेंजेस के बारे में। तो चलिए अभी हम हिंदी में बात करते हैं 10 न्यू चेंजेस के बारे में। तो क्या 10 न्यू चेंजेस हुए? तो पहला जो चेंज है वो सुपर ड्यूक डिज़ाइन है, जो कि बहुत अच्छा है। 1290 सुपर ड्यूक जो वॉरेन में बहुत फेमस है, इट्स नंबर 1 नेक्स्ट स्पोर्ट्स बाइक जो बहुत अच्छा चलता है फॉरेन कंट्रीज़ में, तो उसका डिज़ाइन इसमें दिया है। तो दिस इज़ अ वेरी बेस्ट डील टू गेट दिस बाइक। जो भी सुपर ड्यूक डिज़ाइन इसमें मिला है वो बहुत अच्छा मिला है, तो ये बहुत अच्छे एडवांटेज है हम सब के लिए। तो ये पहला चीज़ है जो मुझे बहुत पसंद आया सुपर ड्यूक डिज़ाइन का, सुपर ड्यूक 250 में। दूसरी बात करूँ तो स्लीपर क्लच आपको टर्निंग अराउंड कॉर्नर्स में बहुत हेल्प करता है। हमेशा गियर रेशियोज़ में आपको शिफ्ट करते हैं, अगर शिफ्ट गियर पे डायरेक्टली आप ब्रेक दबाते हो तो स्लीपर क्लच हमेशा आपको हेल्प करता है, तो बाइक को स्टॉप नहीं करता है। रियर व्हील बेस है उसको हम ब्लॉक नहीं करता है, तो ये स्लीपर क्लच एक बहुत एडवांटेज है। थर्ड जो पॉइंट है वो राइडर एंड पिलियन सीट बहुत कंफर्टेबल है। इसमें कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं आया या फिर कोई मुझे उसमें प्रॉब्लम नहीं देखा, क्योंकि ड्यूक 100 में ये प्रॉब्लम है, बट ड्यूक 250 में ये बहुत अच्छी कंफर्ट लेवल है पिलियन सीट एंड राइडर सीट। तो ये हुआ थर्ड पॉइंट। फोर्थ जो पॉइंट है वो है बजट। अगर मैं बजट के बारे में बात करूँ तो इसमें आपको प्राइस जो है वो अराउंड 1,92,000 ऑन रोड प्राइस मिलता है मुंबई में, तो ये बहुत अच्छी डील हो सकती है। अगर आप बजट के बारे में बात करें तो आपको सुपर ड्यूक डिज़ाइन मिलता है, स्लीपर क्लच मिलता है, पिलियन सीट राइडर सीट कम्फर्ट मिलता है, फिर इंजेक्शन सिस्टम, बहुत सारी चीज़ें मिलती है। तो प्राइस के हिसाब से दिस इज़ अ बजट फ्रेंडली पैकेज। तो अगर आगे की बात करूँ तो फिफ्थ जो पॉइंट है वो हैलोजन हेडलाइट्स है। हैलोजन हेडलाइट से क्या होता है कि अगर आप अंधेरे में बहुत अंधेरा है तो आपको इस हेडलाइट का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है वहाँ पे, और ऑटोमेटिक हेडलाइट फीचर है तो बहुत अच्छा दिखता है। इसका डिज़ाइन जो हेडलाइट्स का फ्रंट में है वो बहुत अच्छा है। तो सिक्स जो पॉइंट है वो क्लच एंड गियर रेशो है। सिक्स्थ पॉइंट में मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने 2 किलोमीटर्स राइड करने के बाद मुझे पता चला कि गियर एंड जो क्लच फील है वो बहुत स्मूथ है, रिस्पॉन्सिव है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है गियर शिफ्टिंग में। इवन थर्ड एंड फोर्थ गियर में भी आपको प्रॉब्लम नहीं होता है, तो शिफ्टिंग बहुत अच्छी होती है, स्मूथली होती है, क्लच रिस्पॉन्सिव है। तो सेवन्थ जो पॉइंट है तो फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। आजकल सभी बाइक में फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम आता है, तो बट ऑब्वियसली फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम आपको हेल्प करता है। 250cc इंजन मोटरसाइकिल आप अगर आप राइड करें तो आपको 30 एंड 35 का एवरेज ऑब्वियसली मिल सकता है सिटी राइडिंग पे। 8th पॉइंट एग्जॉस्ट साउंड एंड स्टाइल के बारे में। तो एग्जॉस्ट साउंड जो अमाउंटेड एग्जॉस्ट दिया है साइड में, राइट साइड में, तो वो बहुत अच्छा दिखता है एंड उसका साउंड भी बहुत अच्छा है ड्यूक 200 से, तो बेटर ही है। तो ये हुआ 8 पॉइंट। 9 पॉइंट BS4 कंप्लाइंस इंजन जो हेल्प करता है आपके इंजन को रिफाइन रखने में, आपके वाइब्रेशन कम करता है। आपका अगर हायर स्पीड में चला जाए तो आपके बाइक को स्मूथली चलने देता है और वाइब्रेशन कम करता है, ये थोड़ा एडवांटेज है उसमें। 10th जो पॉइंट है वो बट ऑब्वियसली पॉइंट नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बाइक है वो बाकी सारे कॉम्पिटिटर्स में वन ऑफ द बेस्ट नेक्स्ट स्पोर्ट्स बाइक है, जो 200 टू 250 सीसी में बाकी जो भी बाइक्स है उससे बहुत कंपैरिजन में अच्छा है। आपको बहुत सारे इसमें अच्छे अच्छे फीचर्स दिए गए हैं, न्यू चेंजेस डाले गए हैं। हाँ, मैं इसके बारे में बात करता हूँ कि अगर आप बजट फ्रेंडली हो, अगर आपको लगता है कि मुझे नहीं 1 लाख के बीच में ही चाहिए या फिर 1.5 लाख के नीचे ही बाइक चाहिए, तो फिर आप ड्यूक 200 की तरफ या फिर पल्सर 200NS की तरफ जा सकते हो। बट ये बाइक अगर कॉस्ट ना दिखे तो बहुत अच्छा है। तो अगर इस वीडियो को आपको पसंद किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल पे, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें, सजेस्ट करें। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।